स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं आपके लिए फिर से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन वाला वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपको राजस्थान के ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपकी आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अपन देखते हैं। तो ये है अपना पहला क्वेश्चन, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। फ्रेंड्स, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति आप सबको पता है कि 23.3 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30.12 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। फ्रेंड्स, ये फिगर आपको हमेशा नोट डाउन करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में अपने को बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है। फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट है 69.30 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है फ्रेंड्स, पूर्वी देशांतर से 78.17 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य अपनी राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको सबको याद रखना है। बाकी फ्रेंड्स, अपना आंसर नहीं होगा, अपना सेकंड भी नहीं होगा और अपना थर्ड भी नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अपना अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ स्थान कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स, अपना पहला ऑप्शन अपन देखते हैं, कोना गाँव श्रीगंगानगर, ये अपना नहीं होगा। बोरकुंडा बांसवाड़ा, ये भी अपना नहीं होगा। हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर, फ्रेंड्स यहाँ से ये आपका आंसर होगा। हिंदूमल कोट गंगानगर में जो स्थान है, वहाँ से इंटरनेशनल जो सीमा है उसका प्रारंभ स्थान माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप कहोगे कि प्रारंभ स्थान तो ये हो गया, ठीक है चलो हो गया, लेकिन इसका समाप्ति स्थान कौन सा है। तो फ्रेंड्स, वो भी मैंने ऑप्शन में ऐड किया है, इसका समाप्ति स्थान साहगढ़ बाड़मेर जो है, वहाँ पे इसका समाप्ति स्थान माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ और यहाँ पे इसका समाप्ति स्थान माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं सोच रहा हूँ आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अपना अगला है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व छोटा ज़िला कौन सा है। फ्रेंड्स देखिए, इस टाइप्स का क्वेश्चन आपके लिए, ये काफ़ी टाइप से इसको पूछ सकता है। फ्रेंड्स जैसे, फ्रेंड्स क्षेत्रफल की दृष्टि से अपन देखेंगे तो जैसलमेर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट आपका हो जाएगा धौलपुर, राइट फ्रेंड्स। और ये पूछ रहा है जनसंख्या घनत्व है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना सबसे जो बड़ा है वो जयपुर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे जो छोटा है वो जैसलमेर हो जाएगा। कोई इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है, जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर बड़ा है और जैसलमेर जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा भी है। फ्रेंड्स आप इस चीज़ को लर्न कर लीजिएगा, कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होना है। तो फ्रेंड्स अपन चलते हैं आगे अगले वाले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स अपना अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स आप सब जानते ही हो वैसे तो इसका आंसर, सुदर्शनगढ़ किसका उपनाम है, बताइए फ्रेंड्स। नारगढ़ जयपुर का है, या नागौर का किले का है, या हनुमानगढ़ का किले का है, या जोधपुर का किले का है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, नागौर का जो किला है उसका उपनाम क्या है, उसका उपनाम अही छत्रपुर दुर्ग, काफ़ी बार पूछा गया है अही छत्रपुर दुर्ग किसका उपनाम है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अलावा इसको नाग दुर्ग भी कहते हैं। फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से दिमाग में लॉक कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हनुमानगढ़ का जो किला है उसको बोलते हैं फ्रेंड्स बटनेर दुर्ग, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, बटनेर दुर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, और जो जोधपुर का जो किला है उसका उपनाम है, क्या उपनाम है बताइए फ्रेंड्स। इसका उपनाम एक तो हो गया मेहरानगढ़,
दूसरा होगा मयूर ध्वज गढ़। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ये उपनाम काफ़ी बार पूछे हैं, ये कंफ्यूजन वाली स्थिति बन जाती है, आपको कंफ्यूजन होना नहीं है। लेकिन ठीक है फ्रेंड्स, तो इस आपका इसका सही आंसर हो जाएगा नारगढ़ जयपुर का उपनाम, इसको सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है डोडगढ़ दूलरगढ़ किसका उपनाम है। फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। इसके दो उपनाम है दूलरगढ़ और डोडगढ़। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन की तरफ देखते हैं, अजमेर का किला। ठीक है फ्रेंड्स, अजमेर को किले को अपन क्या बोलेंगे बताइए आप। अजमेर को किले को अपन बोलेंगे तारागढ़, उसके अलावा अजय मेरु दुर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, अजय मेरु दुर्ग और तारागढ़ अपन अजमेर को किले को बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अलावा गढ़बीठली क्या बोलेंगे अपन, गढ़बीठली ये भी अपन अजमेर को किले को बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अकबर का जो किला है इसको फ्रेंड्स अपन बोलेंगे मैगजीन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं मैगजीन। फ्रेंड्स ये इनके उपनाम है, काफ़ी बार अपने को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अपना जो जालौर का जो दुर्ग है फ्रेंड्स, इसका उपनाम है, मैं सारे मैंने उपनाम आपके लिए इसमें ऐड किए हैं, जाबिलीपुर। ठीक है फ्रेंड्स, अपना सेकंड है सोनगिरी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका तीसरा है सोनलगढ़। तो फ्रेंड्स आप ये तीनों इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स डोडगढ़ दूलरगढ़ आपको सबको पता है, जैसे अपने गागरोन दुर्ग, ये इसके उपनाम है। और फ्रेंड्स गागरोन दुर्ग को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इसको अच्छे से लर्न करना है, मैं सोचता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अपना अगला क्वेश्चन है सोनारगढ़ किला त्रिकुट दुर्ग सोनगढ़ किसके उपनाम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताइए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ये किसके उपनाम है। तो फ्रेंड्स अपने ऑप्शंस के अनुसार अपन देखते हैं, वल्लभगढ़ का किला फ्रेंड्स इसके उपनाम है, इसका उपनाम है ऊटाला। क्या है फ्रेंड्स, ऊटाला का किला, ये किसको बोलते हैं, वल्लभगढ़ का जो किला है उसको बोलते हैं ऊटाला का किला। ठीक है फ्रेंड्स, चोमू का किला फ्रेंड्स इसको बोलते हैं चोमुहागढ़। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, चोमुहागढ़। फ्रेंड्स ऐसे जब वर्ड एग्जाम में आते हैं तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है फ्रेंड्स, अपना ऑप्शन है तीसरा सी नंबर का, इसका मिठड़ी का किला जोधपुर को क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इसको बोलेंगे फ्रेंड्स मांडलवीपुर। ठीक है फ्रेंड्स, दुर्ग। और फ्रेंड्स इसका आपका आंसर हो जाएगा जैसलमेर का किला। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता दूं जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट को। आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा, अपन आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स अपना अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भूभाग को या किस भू क्षेत्र को गिरवा कहा जाता है बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, भैंसरोड गढ़ व बिजोड़िया के बीच का भूभाग जो है उसको कहते हैं फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, ऊपरमाल। फ्रेंड्स आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, मैंने इससे रिलेटेड आपके लिए ऑप्शन लेके आता हूँ ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। फ्रेंड्स अपना सेकेंड है, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच के भूभाग को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको बोलते हैं छप्पन का क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं, छप्पन का मैदान अपन बोल सकते हैं इसको, या क्षेत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अपना फ्रेंड्स तीसरा है, प्रतापगढ़ के पास के भूभाग को क्या कहते हैं फ्रेंड्स बताइए। फ्रेंड्स इसको बोलते हैं काठल। फ्रेंड्स काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स
गिरवा किस भूभाग को कहते हैं? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, गिरवा कहते हैं, अपना आंसर डी, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? गिरवा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं समझता हूँ कि ये आपके अच्छे से लर्न हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक है? तो बताइए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अपना जालौर से झुंझुनू नहीं हो सकता, सिरोही से अलवर ये भी नहीं हो सकता, सिरोही से खेतड़ी। फ्रेंड्स इसका आपका आंसर है क्या है बताइए फ्रेंड्स? इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, सिरोही से खेतड़ी तक अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। ठीक है फ्रेंड्स, खेड़ ब्रह्मा भी अपन बोल सकते हैं इसको, खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी। ठीक है, सिरोही जिले में एक स्थान है खेड़ ब्रह्मा, वहाँ से खेतड़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है? इसका आपका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। फ्रेंड्स इसका आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आप सबको पता है ये हो गया उत्तर, ये हो गया अपना दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स सेकंड को हम देखते हैं, पूर्व से पश्चिम, ये अपना हो गया पूर्व से पश्चिम। फ्रेंड्स ये तो होगा ही नहीं, बिल्कुल कभी नहीं होगा, क्योंकि अरावली जो पर्वतमाला है वो अपनी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप से वो जा रही है। तो आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा इसको, बाकी जो आपके ऑप्शन आए आपको देखते ही उसको टिक करना है फ्रेंड्स। अगर आप इसको अभी अच्छे से लर्न कर लोगे तो एग्ज़ाम में विद इन 1 से 2 सेकंड में आप आंसर कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इस टाइप से आप भी मैप बना के और उनकी जो दिशा मेंशन करके आप इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आप फ्रेंड्स एग्ज़ाम में आप आराम से उसका आंसर कर पाओगे। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड, अरावली पर्वतमाला से रिलेटेड अगर आप अच्छे से लर्न कर लोगे तो आप कोई सा भी क्वेश्चन वो उठा के पूछ सकता है, तो आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप ईजीए में कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अपना आगे देखते हैं। बीच में से विभाजित है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जैसे अपना ये हो गया उत्तर, ये अपना दक्षिण, ये हो गया अपना पूर्व, ये हो गया अपना पश्चिम। तो फ्रेंड्स इस टाइप से अरावली पर्वतमाला जा रही है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लूनी नदी का बेसिन है। ठीक है फ्रेंड्स, और टेंटेटिव लगभग यहाँ पर बनास नदी का बेसिन है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप से लूनी नदी और बनास नदी अरावली पर्वतमाला को लगभग बीच में से, मध्य में से विभाजित कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इसका कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं होगा, इसका ओनली फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक होगा, लूनी और बनास। ठीक है फ्रेंड्स, अपन नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स अपना अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी का अधिकतम भाग स्थित है या विस्तृत है? ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका फ्रेंड्स इसका हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन है जैसलमेर, सेकंड ऑप्शन है जयपुर, और अपना तीसरा ऑप्शन है भीलवाड़ा, और फोर्थ ऑप्शन है उदयपुर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे अधिकतम भाग उदयपुर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स भीलवाड़ा आपको पता है सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा शेयर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जयपुर के बारे में, और अपना तीसरा ऑप्शन है भीलवाड़ा, और फोर्थ ऑप्शन है उदयपुर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे अधिकतम भाग उदयपुर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स भीलवाड़ा आपको पता है सबसे कम
अंतर्राज्यीय सीमा शेयर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जयपुर के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जैसलमेर फ्रेंड्स मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये 464 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये कहाँ पे है? सवाई माधोपुर। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, राजस्थान में 3 नेशनल पार्क हैं और लगभग 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है फ्रेंड्स, वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ताल छप्पर अभयारण्य ये चुरू में है। फ्रेंड्स ये काले हिरण और क्रुंजा पक्षी की शरण स्थली है ये। ठीक है फ्रेंड्स, क्रुंजा पक्षी है एक, उसकी क्या है ये शरण स्थली माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, बेंस रोडगढ़ ये घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। और फ्रेंड्स ये सीता माता अभ्यारण्य जो है फ्रेंड्स ये प्रतापगढ़ में है। ठीक है फ्रेंड्स, और जाखम जो बांध है इसी में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, जाखम बांध इसी अभ्यारण्य में है। तो फ्रेंड्स चित्तल की मातृभूमि सीता माता अभ्यारण्य कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दो जिले जुड़े हुए हैं अपने पंजाब से और फ्रेंड्स दो जिले जुड़े हुए हैं यूपी से। ठीक है फ्रेंड्स, दो जिलों की सीमा पंजाब से अपनी लिंक है और दो जिलों की सीमा ही अपनी उत्तर प्रदेश से है। ठीक है फ्रेंड्स, अपना अगला है 6 बी है अपना 6। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, जो गुजरात राज्य है उससे 6 जिलों की सीमाएं जुड़ी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, अपना तीसरा ऑप्शन है 7। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जो हरियाणा है, हरियाणा से 7 जिलों की सीमाएं जुड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान राज्य की 10 जिलों की सीमाएं सीमा रेखाएं जुड़ी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं समझता हूं आपको ये अच्छे से लर्न हो गया होगा। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं बता दूं आपको फ्रेंड्स, इसके जो प्रमुख दर्रे हैं देसूरी, सोमेश्वर, गोरमघाट और आथीगुड़ा दर्रा अपने अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो देसूरी दर्रा है ना फ्रेंड्स, देसूरी दर्रा अपना पाली में है, इसके साथ ही सोमेश्वर दर्रा भी पाली में है। ठीक है फ्रेंड्स, अपना गोरमघाट जो दर्रा है फ्रेंड्स ये है राजसमंद में। ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं समझता हूँ कि आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अपना अगला क्वेश्चन है, राज्य का वह जिला जिसका आकार पतंग या समचतुर्भुज जैसा है। ठीक है, जिसके पूर्वी एवं पश्चिमी भाग अंदर की ओर झुके हुए हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो अपना आपका फर्स्ट ऑप्शन है सीकर। तो फ्रेंड्स सीकर का जो अपना जिले का आकार है फ्रेंड्स प्यालीनुमा या अर्ध चंद्र आकार की इसकी आकृति है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टोंक। फ्रेंड्स टोंक जो ज़िला है फ्रेंड्स वो इस टाइप से उसकी ज़िले की जो ज़िले का आकार है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसका अपना पश्चिम और ये पूर्व भाग अंदर की ओर झुके हैं, तो आप देख पा रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका आकार जो है पतंगनुमा या समचतुर्भुज जैसा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं समझता हूँ आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपन आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
फ्रेंड्स अपना अगला क्वेश्चन है, कौन से जिले ही मरु त्रिकोण या डेजर्ट ट्राइंगल बनाते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अपन पहला ऑप्शन की तरफ देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है चूरू सिकर झुंझुनू। फ्रेंड्स चूरू सिकर झुंझुनू को किस नाम से जाना जाता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसको शेखावाटी के नाम से भी जानते हैं तीनों जिलों को, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अपना जो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो अपने सी ऑप्शन में स्थित है। तो इन तीन जिलों को मरु त्रिकोण या डेजर्ट ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे। आप चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स अपना अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार कितने जिलों में है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है 15, सेकंड 16, अपना थर्ड है 17, फोर्थ है 18। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका पर्वतमाला का विस्तार अपना 17 जिलों में फैला हुआ है। तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, संपूर्ण भाग उदयपुर और डूंगरपुर दो जिलों में ही ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी जो 15 जिले हैं ना फ्रेंड्स, इनमें ओनली नाम मात्र का है, नाम मात्र बोले तो बिल्कुल कम भाग उसका स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। और सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स इसका जो भाग है उदयपुर में है, और सबसे कम फ्रेंड्स, सबसे कम फ्रेंड्स, ये सबसे ज़्यादा के साथ में सबसे कम आपको लर्न करना ज़रूरी है, सबसे कम है फ्रेंड्स अजमेर में, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं समझता हूँ आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपन बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स अपना अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रेत के अर्धचंद्राकार बड़े बड़े टीले ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनको क्या कहलाते हैं ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है रन, मैंने अभी बताया था फ्रेंड्स आपको कि रन जो है ना फ्रेंड्स, जो ये यहाँ पे मतलब जो रेत के बहुत बड़े बड़े यहाँ पे भाग होते हैं, मैदान होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बालू का जो स्तूप होते हैं ना, मतलब बालू की जो टीले, ठीक है फ्रेंड्स, ये इधर भी टीले हैं, इधर भी टीले हैं, इधर भी टीले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो जो ये जगह है ना, यहाँ पे बालू की मतलब मात्रा कम होती है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स बरसात के दिनों में ऐसी जगह पानी भर जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या भर जाता है, पानी भर जाता है। तो ये पानी भरने से अस्थायी झीलें बन जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको रन बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया था आपको। और खंडीन, खंडीन किसे बोलते हैं मैं आपको बता दूं, जैसलमेर के उत्तरी भाग में, जैसलमेर के उत्तरी भाग में बड़ी संख्या में स्थित प्लाया झीलें जो प्राय निम्न कगारों से घिरी रहती है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जो लंबी लंबी जो खाली जगह होती है ना फ्रेंड्स, वहाँ पे जो बारिश के दिनों में पानी भर जाता है, और फ्रेंड्स उनके आसपास मतलब निम्न कगारों से मतलब जो मिट्टी रहती है वो घिरी रहती है फ्रेंड्स, उनको बोलते हैं खंडीन। फ्रेंड्स ये जैसलमेर के उत्तरी भाग में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको बता दूँ जोहड़, फ्रेंड्स पश्चिम रेगिस्तान के जो अपना है, पश्चिम रेगिस्तान या शेखावाटी क्षेत्रों में फ्रेंड्स क्या करते हैं, वो बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए बावड़िया टाइप के जो फ्रेंड्स कुएं बनाते हैं, बावड़िया जैसे कुएं बनाते हैं, उनको अपन बावड़िया भी बोल सकते हैं, मतलब कच्चे जो कुएं टाइप से बनाते हैं फ्रेंड्स, वो बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाए जाते हैं, उनको फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं जोहड़, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं समझता हूँ आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और जो फ्रेंड्स आपका आंसर है इसका होगा आंसर आपका सी हो जाएगा, रेगिस्तान के रेत में अर्ध चंद्राकार बड़े बड़े टीले ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील होते हैं फ्रेंड्स, इनकी यही पहचान होती है, इनको बोलते हैं बरखान, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपन आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
फ्रेंड्स अपना अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला का केंद्रीय भाग किन जिलों में स्थित है? फ्रेंड्स सिरोही व झुंझुनू, ना फ्रेंड्स ये आपका आंसर नहीं होगा, सिक्कर व चुरू, फ्रेंड्स ये भी आपका आंसर नहीं होगा। फ्रेंड्स आपका आंसर होगा टोंक व सवाई माधोपुर। फ्रेंड्स आप अच्छे से लर्न कर लेना, टोंक व सवाई माधोपुर में अरावली पर्वतमाला का सेंट्रल भाग है, ठीक है फ्रेंड्स। केंद्रीय भाग टोंक व सवाई माधोपुर दो जिलों में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आड़ वाला नहीं है, इसको आप कर लीजिएगा। आडावाला पर्वत स्थित है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं आडावाला पर्वत बूंदी जिले में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ पे स्थित है? बूंदी जिले में, ठीक है फ्रेंड्स। जोधपुर में फ्रेंड्स क्या है? फ्रेंड्स जोधपुर में चीड़िया टूक पहाड़ी है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसके ऊपर मेहरानगढ़ जो फ्रेंड्स जो किला है ना, मेहरानगढ़ किला इसी पहाड़ी पर है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अपना अजमेर, अजमेर में क्या है फ्रेंड्स? मैंने बताया था बीटली की पहाड़ी अपना अजमेर में है, क्या है फ्रेंड्स? बीटली की पहाड़ी। उसके अलावा फ्रेंड्स अजय मेरु दुर्ग का निर्माण, ये याद रखना फ्रेंड्स, मैं आपको बीच बीच में बताता हूँ। अजय मेरु जो दुर्ग है उसका निर्माण 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान ने करवाया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप याद कर लीजिएगा, अजय राज चौहान ने करवाया था, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जैसलमेर में क्या है? फ्रेंड्स जैसलमेर में त्रिकुट, ठीक है फ्रेंड्स, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में है फ्रेंड्स, ये काफ़ी बार पूछा भी गया है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसलमेर का किला इसी पर स्थित है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। जैसलमेर का किला इसी पर स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं समझता हूँ ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक अंतराल या गैप विद्यमान है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, शुरुआती भाग में नहीं है फ्रेंड्स गैप। फ्रेंड्स अरावली पर्वतमाला के मध्य भाग में सबसे ज़्यादा गैप है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है फ्रेंड्स। अंतिम भाग में भी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अंतराल नहीं है, नहीं है, ये आपका नहीं होगा, अंतराल है, ठीक है फ्रेंड्स। अरावली पर्वतमाला के मध्य भाग में सर्वाधिक गैप है, अंतराल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य का सबसे ऊंचा पठार है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको मोस्ट कर लीजिएगा और अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अपना फर्स्ट देखते हैं उड़िया पठार। फ्रेंड्स ये ही राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, इसका आंसर ये हो जाएगा फ्रेंड्स। जो गुरु शिखर से, गुरु शिखर जो है ना फ्रेंड्स, अपनी गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, उसकी 1722 मीटर उसकी ऊंचाई है, उससे उसके नीचे ये स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स, उसके नीचे ये स्थित है। आबू पर्वत से 164 मीटर ऊंचा है फ्रेंड्स ये, और अपना ये फर्स्ट हो गया उड़िया पठार, ये सेकंड है सबसे बड़ा दूसरा, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा सबसे बड़ा है जिसकी सिरोही में औसत ऊंचाई 1200 मीटर है, ठीक है फ्रेंड्स, ये सिरोही में स्थित है, इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है फ्रेंड्स। अपना तीसरा है मेसा पठार फ्रेंड्स, ये 620 मीटर ऊंचा है, जिस पर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, चित्तौड़गढ़ का किला इसी पर है, ठीक है फ्रेंड्स। अपना नेक्स्ट है बोराट का पठार।
फ्रेंड्स, ये उदयपुर के उत्तरी पश्चिम, उदयपुर के उत्तरी पश्चिम व राजसमंद के कुंभलगढ़ के मध्य, ठीक है फ्रेंड्स, उदयपुर के उत्तरी पश्चिम व राजसमंद के कुंभलगढ़, राजसमंद के कुंभलगढ़ स्थान है, उन दोनों के बीच में है ये, ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच में है। इसे मेवाड़ का पठार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? मेवाड़ का पठार भी इसको कहा गया है। तो फ्रेंड्स, मैं सोचता हूँ ये आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा। इसका आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, उड़िया का पठार। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य का भूभाग कहलाता है, तो बताइए फ्रेंड्स क्या कहलाता है। फ्रेंड्स, मेवात, बताइए मेवात किसे कहा गया है। फ्रेंड्स, भरतपुर व अलवर, मैं आपको बता दूं, भरतपुर व अलवर का क्षेत्र मेवात कहा गया है, ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मत्स्य प्रदेश, फ्रेंड्स अलवर व भरतपुर में, अलवर और भरतपुर में धौलपुर व करौली का पूर्वी भाग ऐड कर देंगे तो उसको मत्स्य प्रदेश कहा गया है। क्या ऐड कर देंगे फ्रेंड्स? धौलपुर व करौली का पूर्वी भाग। फ्रेंड्स, इस पूरे को मत्स्य प्रदेश कहा गया है। फ्रेंड्स, देशारो किसे कहा गया है? फ्रेंड्स, जरगा उदयपुर और सिरोही की पहाड़ी का भाग, फ्रेंड्स ये जरगा है, जरगा उदयपुर और सिरोही के पहाड़ी भाग जो है ना, वो हमेशा वर्ष भर हरे भरे रहते थे वो, ठीक है फ्रेंड्स, हरे भरे ही रहते थे वर्ष भर हरे भरे होने के कारण इस क्षेत्र को देशरो कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भाग को मेवल कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, मेवल और मेवात में कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं सोचता हूँ आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा। अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा व मारवाड़ का प्रताप किसे कहा गया है। तो फ्रेंड्स, अपना फर्स्ट है कवर चूड़ा। फ्रेंड्स, इसको क्या कहा गया है? मेवाड़ का भीष्म पितामह है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ये किसको कहा गया है फ्रेंड्स? कंवर चूड़ा को। फ्रेंड्स, गोवर्धन लाल बाबा को कहा गया है भीलों के चितेरे, तो इसको भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये भीलों के प्रिय थे इसलिए इसको भीलों के चितेरे कहा गया है। फ्रेंड्स, महाराज गंगा सिंह को क्या कहा गया है? राजस्थान का भागीरथ। क्या कहा गया है फ्रेंड्स? राजस्थान का भागीरथ इसे कहा गया है। फ्रेंड्स, राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा राजा एवं मारवाड़ का प्रताप कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं सोचता हूँ आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के वे दो जिले
कौन से हैं जहाँ कोई नदी नहीं है? फ्रेंड्स, इसका आंसर तो आप सबको आता है, मुझे पता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। फ्रेंड्स, आपका आंसर हो जाएगा सी। देखो ए, चुरू झुंझुनू। देखो झुंझुनू में तो नदी है, ठीक है फ्रेंड्स, ये नहीं होगा। जोधपुर बीकानेर, फ्रेंड्स जोधपुर में नदी है, ये भी नहीं होगा। फ्रेंड्स गंगानगर में भी है, ये भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अपना हो जाएगा आपका चुरू या बीकानेर। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से बारहमासी नदी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चंबल और बनास, ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका आंसर नहीं होगा। चंबल व माही, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, राजस्थान में ऐसी दो नदियां हैं केवल जो बारहमासी है, ठीक है फ्रेंड्स। पार्वती व कालीसिंध नहीं होगी, माही व माही होगी लेकिन जाखम नहीं होगी, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अपना अगला है, जालोर सिवाना पहाड़ियाँ बनी हुई है। फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट भी है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। फ्रेंड्स जालोर की सिवाना पहाड़ियाँ मिट्टी से नहीं बनी हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। पेड़ों से भी नहीं बनी हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। सीमेंट से भी नहीं बनी है, बनी हुई है फ्रेंड्स। जालोर के ग्रेनाइट से जालोर की सिवाना पहाड़ियाँ बनी हुई है। तो फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स अपन आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपन देखते हैं फ्रेंड्स, अपना राजस्थान का क्षेत्रफल है, बताइए फ्रेंड्स कितना है? 3,42,239 किलोमीटर अपना राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, ठीक है फ्रेंड्स। और पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का लगभग क्षेत्रफल फ्रेंड्स 213,688 किलोमीटर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 3,42,239 में से इसको लेस करेंगे ना फ्रेंड्स, तो ये संख्या निकल के आएगी अपनी 1,28,551, ठीक है फ्रेंड्स। काफ़ी बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल के अलावा कितना क्षेत्रफल है जहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उस कंडीशन में आप इसको अच्छे से लर्न कर लोगे तो आप आराम से इजी में आंसर कर पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 213,688 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं फ्रेंड्स। इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो फ्रेंड्स आइए चेक करते हैं। राज्य पुष्प रोहिड़ा, ये राइट है। राज्य का शास्त्रीय नृत्य कथक, ये भी राइट है फ्रेंड्स। अपना तीसरा है, राज्य का लोक नृत्य घूमर, फ्रेंड्स ये भी राइट है। राज्य खेल, अपना राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है फ्रेंड्स, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में मैंने इसका आंसर नहीं डाला है, तो इसका आंसर अपन करेंगे इनमें से कोई नहीं, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि अच्छे से आपके पॉइंट क्लियर हो जाए, इसीलिए मैंने इसमें आंसर नहीं डाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। अरावली पर्वतमाला राज्य के कितने प्रतिशत भाग में फैली हुई है? फ्रेंड्स आपका आंसर है 9.8 फ्रेंड्स, ये भी नहीं होगा। फ्रेंड्स आपका सेकंड ऑप्शन है 10.41 फ्रेंड्स, ये क्या है 10.41, यही राजस्थान का भारत में क्षेत्रफल का प्रतिशत है फ्रेंड्स। क्या है फ्रेंड्स? कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है भारत में, ठीक है फ्रेंड्स। अपना भारत में राजस्थान का क्षेत्रफल का प्रतिशत 10.41% है, याद रखना फ्रेंड्स। आपका इसका आंसर हो जाएगा, अरावली पर्वतमाला राज्य के कितने प्रतिशत भाग में फैली हुई है? तो फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा 9.1 भाग में अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपके ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स जो लोग अपने आपके चैनल पे जो नए हैं, ठीक है फ्रेंड्स, वो सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करना नहीं भूलें। और फ्रेंड्स आपका जो भी सजेशन या जो भी फ्रेंड्स आपकी जो क्वेरी है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को लाइक करोगे और आपको ये अच्छा भी लगा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ठीक है, ओके बाय, अपन मिलते हैं आगे वाले वीडियो में, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से लेस होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।